有人。有人。कपड़ा काफी अच्छा पहनी हो। थैंक यू। ये मेकअप तो बहुत सुंदर किया हुआ है तुमने। हाँ, तुम कितने अच्छे हो। साला फिर भी बंदरिया लग रही हो। पीछे देखो, पीछे। ये ले भाई 20 रुपए और टंकी फुल कर दे। अच्छा तो तू एक काम कर, 10 रुपए और दे, पेट्रोल पंप भी तेरे नाम कर दूं भाई। भाई ये बादाम खाने से क्या होता है? भाई साहब दिमाग तेज होता है। अच्छा वो कैसे? बता 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? भाई मुझे तो नहीं पता यार। ले बादाम खा। अब बता 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? भाई 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। हो गया रे दिमाग तेज। अरे सुनना, तेरा बॉयफ्रेंड अभी तक आया नहीं, जरूर उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा होगा। तू ना हमेशा गलत ही सोच, हो सकता है ना ट्रक के नीचे आके एक्सीडेंट हो गया हो बेचारे का। सुनो जी, पहले के दूल्हे क्या मांगते थे और अब के दूल्हे क्या मांगते हैं? अबे यार 1970 में दूल्हा ये सोचता था कि साला दहेज में रेडियो मिल जाए, जब 1980 आया तो सोचता था यार दहेज में साइकिल मिल जाए, अब साला 2019 आ गया है तो लड़के सिर्फ यही सोचते हैं भैया कार रेडियो कुछ नहीं चाहिए, बस बिना बॉयफ्रेंड वाली लड़की मिल जाए यार। क्या देख रहे? अबे भाई हूँ मैं इसका। मेरा जानू क्या कर रहा है? सेब बना रहा हूँ। क्या जब मैं कॉल करती हूँ तुम सेब ही बनाते हो? दिन भर में कितनी बार सेब बना लेते हो? 30-40 बार। क्या तुम पागल हो गल हो क्या? नहीं मैं तो नहीं हूँ। सुनो जी। हाँ जी बोलो क्या बात है? एक बात बताओ, शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? अबे यार शादी में दुल्हन को घूंघट में इसलिए रखा जाता है ना ताकि किसी के मुंह से ये ना निकल जाए अबे ये तो मेरी वाली है भाई। हेलो सासू माँ। हाँ दामाद जी। आपकी बेटी में तो दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं है। दामाद जी आपने तो उनका हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात नहीं करी थी। तो दिमाग का फ्रिज में रखा हुआ है। हेलो मैनेजर, मैं रूम नंबर 304 से बोल रहा हूँ, मेरी बीवी की मुझसे लड़ाई हो गई, वो कह रही है खिड़की खोल के बाहर कूद जाएगी। देखिए सर ये आपका पर्सनल मैटर है, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अबे हरामखोर खिड़की नहीं खुल रही, अटक गई है, जल्दी आके खोल। जमीन पे गिरी हुई चीजें उठाने की तेरी बच्चों वाली आदत नहीं गई, मेरे को देख मैं आज भी गिरी हुई चीजें नहीं उठाता। रहटली घूर के आ रही है, ये धरती माता है ठीक है, चूम के खा सकते हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। हाँ हेलो आंटी, मैं रोहित से बात कर सकता हूँ? हाँ मैं उसका फ्रेंड विशाल बोल रही हूँ। चप्पल छोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती। वाह वाह क्या बात है। चप्पल छोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती। वाह 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 वाह। और गर्लफ्रेंड मोटी हो जाए तो बाहों में नहीं आती। 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं है? मैडम जी मेरी एक चड्डी है, मेरी मम्मी ने धो दी थी इसीलिए नहीं आया था। कल क्यों नहीं आए? कल आ रहा था आपके घर के सामने, देखा आपकी चड्डी पड़ी थी, हमने सोचा आप भी नहीं गई होंगी इसीलिए नहीं आया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।